स्मृति ईरानी की फंसी सियासत तो मुख्यमंत्री योगी ने संभाली कमाल। स्मृति ईरानी की साख को बचाने अमेठी आई योगी आदित्यनाथ। स्मृति ईरानी को गांधी परिवार और बागियों ने दिया फुल टेंशन। जी हां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में चरखा दांव खेला है। सांसद खेल प्रतियोगिता तो बहाना है, असली मकसद तो अमेठी में सियासत को बचाना है। अमेठी में डगमगाती सियासत को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वो चरखा दांव मारा जिसकी कल्पना राहुल और प्रियंका गांधी ने सपने में नहीं की रही होगी। हुआ यूं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी जनपद में सांसद खेल प्रतियोगिता करवाई। खेल प्रतियोगिता का समापन इतना भौकाली करवाया कि राहुल गांधी भी देखते रह गए। अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दर्जन भर मंत्रियों को बुलाया, मैसेज दिया उत्तर प्रदेश में सत्ता हमारी है, अमेठी हमारी है। कल हराया था, आने वाले वक्त में भी गांधी परिवार को हराएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मंशा को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अमेठी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना खोल दिया। एकमुश्त 700 करोड़ रुपए की सौगात देकर मुख्यमंत्री योगी ने राहुल गांधी को जमकर रगड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अमेठी में परिवर्तन आया है, राहुल गांधी जब सांसद थे तो अमेठी आते नहीं थे। वही अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महीना 15 दिन बीतता नहीं अमेठी आ जाती है। वही स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के नाम से परहेज किया। स्मृति ईरानी का फोकस खेल और खिलाड़ियों पर रहा। अमेठी का ये सौभाग्य कि आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक रूप पर दर्शाया कि अमेठी के नौजवान पीढ़ी ने आज खेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हर गांव में खेल प्रतियोगिता का हमने आयोजन किया। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। 111,000 हमारे नौजवान खिलाड़ी युवा युवती एकत्रित हुए। उनकी प्रतिभा के माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र के आज जो सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी है वो उपस्थित रहे। मैं मुख्यमंत्री जी का और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। फिलहाल अमेठी की सियासत में स्मृति ईरानी ने 13 अक्टूबर को बड़ा खेल कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाकर साख तो बचा ली है, लेकिन सियासत बचेगी या डूबेगी इसका फैसला तो 2024 में जनता करेगी। आपको बता दें कि अमेठी में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरने की जबरदस्त फील्डिंग सजाई है। पूर्व MLC दीपक सिंह, हाल फिलहाल में संजय गांधी अस्पताल को मुद्दा बनाकर कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी को नुक्कड़ चौराहों तक घेरा था। भाजपा के दिग्गज नेता भी स्मृति ईरानी के खिलाफत में मैदान संभाले थे। फिलहाल अब देखना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अमेठी दौरे और विकास कितना से स्मृति ईरानी की सियासत का रुख क्या होता है। वैसे अमेठी की सियासत गर्म है, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।